बिहार और मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी नेता उमा भारती के सुर बदले नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में उमा भारती ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तारीफ की थी और अब उमा को कमलनाथ भा गए हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, उमा भारती को कमलनाथ भा गए हैं। दरअसल बीजेपी नेता उमा भारती ने हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को हुए उपचुनावों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। उमा भारती ने कहा कि अगर वो इतने अच्छे तरीके से अपनी सरकार चलाए होते तो उनकी 15 महीने की सरकार नहीं गिरती। उमा ने कहा, कमलनाथ जी ने भी उपचुनाव बहुत अच्छे से लड़ा, वो इसी तरह से अपनी सरकार चलाए होते तो मामला गड़बड़ नहीं होता। उमा ने कहा, वो यानी कमलनाथ बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने कहा, ये चुनाव उन्होंने बहुत ही टेक्निकल लड़ा, जैसे उन्होंने मलहरा में राम सिया भारती को खड़ा किया। प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 19 सीटों पर विजय हासिल की, जबकि विपक्षी कांग्रेस को मात्र 9 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। प्रदेश के पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार और उनके बेटे मुदित शेजवार को उपचुनाव में सांची सीट से पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के लिए काम नहीं करने के आरोप पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के संबंध में उमा ने शेजवार का बचाव करते हुए कहा, शेजवार को नोटिस देना औपचारिकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी विरोध में काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने इस संबंध में विष्णुदत्त शर्मा से बात की है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।